तो दोस्तों आप देख रहे हैं अंशु टेक स्टडी, मैं हूं अंशु आनंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2021 में कब होने वाली हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम जो है यूपी बोर्ड से ही रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं समय समय से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तों बिना किसी देर के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कब से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो यहाँ पे यूपी बोर्ड द्वारा कोई भी क्लियर निर्णय नहीं लिया गया है कि कब से उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। तो ये पहला पॉइंट रहा, आपको ध्यान देना है कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और दूसरी बात है कि एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं यहाँ पे मार्च के बाद में ही होंगी। यहाँ पे कई न्यूज हैंडल्स हैं, अखबार हैं, उनमें छप रहा है कि जो यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी वो मार्च के बाद होंगी। आप देख सकते हैं कई सारे न्यूज हैंडल्स ने यहाँ पे पोस्ट किया था, कई न्यूज पेपर में भी छपा था कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है अप्रैल या मई में होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसी बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को होने में बहुत ही टाइम रह गया है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं यहाँ पे मार्च के बाद में कराई जा रही है? तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले मार्च में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, ग्राम पंचायत प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं। इसी के कारण यहाँ पे थोड़ा सा लेट होने वाला है, पीछे कोरोना का संक्रमण भी चल रहा था बीच में। अभी 5 जनवरी 2021 तक लास्ट डेट थी 10वीं और 12वीं में री एडमिशन लेने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिशन लेने की लास्ट डेट भी चौथी बार बढ़ाई गई थी, अभी तक नामावली वगैरह सबमिट करनी है स्कूलों को, तो इससे जो है बहुत ज्यादा विलम्ब हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं को लेकर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मार्च के बाद में ही होंगी। तो दोस्तों आइए हम आगे इसी बात पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को अभी बाद में पोस्टपोन भी कर दिया है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो आपको पता होगा कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। तो ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे तो इसमें थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा व्यवस्था रहती है स्कूलों में को भी, यहाँ पे कई स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया जाता है, तो इससे ये अव्यवस्था हो सकती है एग्जाम सेंटर्स की, और इन एग्जाम सेंटर्स भी बनाने में थोड़ी परेशानी होगी। इसीलिए जो है यहाँ पे मार्च के बाद से यूपी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। मार्च में तो एकदम क्लियर है कि मार्च में बोर्ड परीक्षाएं यूपी बोर्ड की नहीं होंगी, अप्रैल की बात होती है। तो यहाँ पे अप्रैल जब आएगा तो ही यहाँ पे निर्णय लिया जा सकेगा। तो अभी तो 14 जनवरी को यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, वो यहाँ पे उस दिन बैठक करेंगे और वहीं जो है उसी दिन निर्णय लिया जाएगा कि यूपी बोर्ड की यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 2021 की बोर्ड परीक्षाएं कब से शुरू हो रही है। हालांकि अन्य बोर्ड की बात की जाए, जैसे हो गया सीबीएसई बोर्ड, तो सीबीएसई बोर्ड ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि सीबीएसई बोर्ड की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो 4 मई से हो रही हैं, 4 मई से हो रही हैं और 10 जून तक चलेंगी। तो यहां पे सीबीएसई बोर्ड द्वारा पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है, और यहां वेस्ट बंगाल बोर्ड द्वारा भी क्लियर कर दिया गया है कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की बोर्ड परीक्षाएं जो हो रही हैं वो शुरू होंगी 1 जून 2021 से। और यहाँ पे सबसे पहले जो है देश भर में बोर्ड एग्जाम परीक्षा ले रहा है वो है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड ने जो है यहाँ पे 1 फरवरी 2021 से यहाँ पे अपने बोर्ड एग्जाम्स को शुरू करने वाला है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स बिहार में भी चल रहे हैं, जनवरी से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बिहार में प्रैक्टिकल एग्जाम चलेंगे। उसके बाद 1 फरवरी 2021 से वहाँ की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। टाइम टेबल भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्कशन ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, उस पर जो है आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। वहां पर भी हम जो है समय समय पर स्टडी मटेरियल्स और अन्य बोर्ड एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। स्टडी मटेरियल्स आपको पीडीएफ में वहां मिल जाएंगी, अगर आप कोई बुक या कोई नोट्स
चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप अंशु टेक स्टडी से मिल जाएंगी। तो हमने जो है अपने यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है और यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक दे दिया है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा, उस पर जो है आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह भी साझा कर सकते हैं और नोट्स वहां से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो प्लीज जो है आप ज्वाइन होइए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये अपडेट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक एचडी को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।